मान साहब क्या क्या करने जाएंगे सर, क्या करने जाएंगे? आज शहीद करतार सिंह सराबा जी नतमस्तक होना आए हैं, जिन्हां ने लिखा सी कि सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झलियां ने, उन्हां दियां इन्हां लाइनां नूं भगत सिंह जी भी हर वक्त अपने जेब दे विच बटुए च पा के रखते सी। सो उन्हां शहीदां नूं नतमस्तक होण आए हां, क्योंकि जिहड़ी कौम शहीदां नूं भुल जांदी है वह कौम खत्म हो जाती है। सो साडे कोल तां पैर पैर ते शहीद ने, सो साडा फर्ज बनता है, कोई आसान नहीं कर रहे, साडा फर्ज बनता है कि इत्थे आके असी नतमस्तक होइए ते साडा देश जिहड़ा है आज़ाद इन्हां ने करवाया है, ते मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी अहुदे बनते ने ये इन्हां दी बदौलत है सारा कुछ, नहीं तो असी गुलाम मुल्क दे बछिंदे होना सी। सो 16 नवंबर अज शहीद करतार सिंह सराबा का दिन है। दो वड्डियां अनाउंसमेंट्स ने, एक तो सारी फॉर्मैलिटीज़ हो गई, केंद्र सरकार नाल सहमति हो गई, तो हलवारा का जिहड़ा एयरपोर्ट है उन्हूं सिविल एयरपोर्ट बनाया जाऊगा, पंजाब सरकार पैसा खर्चूगी, 48 करोड़ 90 लाख रुपये की बिल्डिंग जिहड़ी है टर्मीनल दी बनूगी, वो असी शुरू कर दिता गया। तो नंबर दो ते जिहड़ी जिहड़ा सराबा मार्ग है लुधियाने तो लैके इत्थे तक वो अज टेंडर जिहड़े ने वह पा दिते गए हैं, तो बड़ी जल्दी जिहड़ी है सड़क जिहड़ी है यह बन के तैयार हो जूगी। दुख की गल यह है कि 75 साल हो गए आज़ादी नूं, अज तक असी शहीदां दे पिंडां तक सड़कां नहीं पहुँचा सके, सीवरेज नहीं पहुँचा सके, स्कूल नहीं पहुँचा सके। सो सारियां जिन्नियां भी 75 साल के ताने बाने ने जिहड़ियां उलझियां गंढां सी उन्हां नूं खोलांगे, लोगों का साथ चाहिए, लोग इस गल्लों ही लोग खुश ने कि सानू कोई मिलन तो आ गया, साढ़े कोल तो कोई आउंदा ही नहीं। सो लोग लावारस छड़ दिते गए ने, सो असी निकले लोगों चो होया, इन्हां ने प्यार दिता तो असी इत्थे पहुंचे हां, नहीं ना कोई साढ़े कोल पैसा सी, ना असी कोई गुंडागर्दी करदे हां। सो लोगों के विश्वास, लोगों ने जिहड़ा मेरे ते विश्वास किया उन्हूं मैं टुटण नहीं देना, वह विश्वास नूं मैं निभाऊंगा, चाहे कतरा कतरा खून का बह जाए देश वास्ते। सो इन्हां शहीदां करके ही इत्थे असीं फिरदे हां, अज उन्हां नूं नतमस्तक होना। शहीद करतार सिंह सराबे दे पिंड आए हैं, इत्थे बिक्रमजीत मजीठिया वर्गे दे नाम, इत्थे बिक्रमजीत मजीठिया वर्गियां दे नाम ना लो, क्योंकि जिन्हां ने जवानी चिट्टे च रोलती ना ये उन्हां दे नाम ना लो कृपा करके। 19 साल का शहीद सीगा जिहदे नाल होर बहुत सारे चिणग लगूगी लोगों नूं। सो इस करके थोड़े सवाल जिहड़े ने ना लोगों नाल रिलेटेड पुछिया करो। हाँ जी हाँ जी, असी अमन कानून नूं, पंजाब दी अमन कानून नूं कायम रखना है, पंजाब दा भाईचारा पहले ही कायम है बहुत, साढ़े च कोई त्रेड़ या दरार नहीं पा सकता। हाँ पिछले दिन ही कुछ छोटिया मोटिया घटनावां हुई, तो जे तुसीं यूपी नाल कंपेयर करो, जे तुसीं कंपेयर करो बिहार नाल, किते भी नहीं कुछ, बस इहदा बदनाम पंजाब नूं कर रहे ने। असी फिर भी प्रकॉशनरी जिहड़े अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं कि जिहड़े पुराने हथियार ने वह किहदे कहण ते बने, उन्हां दे लाइसेंस चैक करांगे, जे किसी ते कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उहदा लाइसेंस कैंसल करांगे, ते नाल जिहड़े शादियां च गोलियां चलदियां ने बहुत सारी दुर्घटनावां हो जांदियां ने, इस तक के एक जगह ते तां लाड़े दी भी डैथ हो गई कि गोली इस तरह दी चली, कदे ऑर्केस्ट्रा वाली कोई कुड़ी दी डैथ हो गई, कदे किसी कलाकार वह गोली है उहदा रिफलैक्ट होकर पता नहीं किहदे वजूगी। सो खुशियां मनाउण दे साडे कोल होर बहुत तरीके ने, असी उह भी कीता कि ना करो इह गल। सो पब्लिक दे विच जिहड़ियां गोलियां चलाउणियां वह, ते भड़काऊ गाने जिहड़े प्रमोट करदे आ नशियां नूं जां हथियारां नूं, उन्हां गाणियां तों वी असी सिंगरां नूं इह कह रहे हां कि गुरेज करो, साडे कोले फुल्लां दे फुलकारियां दे चरखियां दे रांझियां दे हीरां दे सोहणियां दे साडे कोल गीत हैगे ने, पर जरूरी नहीं कि असी जट ने आह चक लिया वी हुण ओह जट ओह करदा ओह करदा। जे असली जट नूं मिलणा है तां पिंडां च आ के देखो, जिहड़ा गीतां च जट दिखाया जांदा, मैं पहलां कलाकार दे तौर ते वी कहिंदा सी कि जिहड़ा गीतां च जट दिखाया जांदा मैनूं नाल लै चलो, खर्चा सारा मेरा है, मैं सिंगर वीरां नूं बेनती करदा
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ ਜੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਲੈਂਬਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰਤਾ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂ ਜਾਂ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।